हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा सात हिंदी, तो अभी आपका चैप्टर होगा 8, जो है दोहा अष्टक। तो आज हम दोहे को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में आपको दोहे पूछे जाएंगे। जैसे कवियों का नाम लिखा है, उसी कवि की आपको दोहा लिखने का रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करें। प्रथम आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और फिर डेट लिख दीजिए, ठीक है? और अच्छी तरह सुनिए, और जहाँ जहाँ मैंने अर्थ लिखे हैं वो भी आपको लिखना है। तो दोहे में है कबीर, तुलसीदास एंड रहीम। हमें तीनों कवियों के दोहे सुनेंगे। दोहे हिंदी भाषा के साहित्य का अनमोल निधि है। दोहे कैसे होने चाहिए? सरल, सहज रूप और जीवन के लोक व्यवहार में गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमें परिचित कराते हैं। तो हमें उसके लिए हमने कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे दोहे को संकलित किया है। तो आइए प्रथम हम कबीर जी के दोहे सुने। देखिए, मैंने इसमें अर्थ भी लिखे हैं, और ध्यान से सुनिए उनके अर्थ, कि बहुत मजा आएगी आपको अगर आप दोहे के अर्थ समझोगे। तो प्रथम लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा होना चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। इसमें कवि ऐसे कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे कि खजूर का पेड़ भी है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या लाभ? उससे किसी मुसाफरी को छाया नहीं मिलता। और जिस तरह फल भी बहुत बड़े ऊंचाई पर लगते हैं, तो कोई मतलब नहीं। ऐसे हम किसी इसी तरह बड़ा होना कोई महत्व की बात नहीं है। पंथी यानी कि मुसाफरी और यात्री, अति यानी कि बहुत, साधु कैसा होना चाहिए, सूप यानी क्या, मम्मी आपकी जो अनाज की सफाई करती है सूप से, उनको सूप बोला जाता है। सूप में से जो कचरा होता है वो क्या होता है, थोथा यानी कि कचरा, वो बाहर निकल जाता है, और अच्छा अनाज सूप से बाहर निकल जाता है। इनका मतलब कि कबीर जी ऐसे कहते हैं कि हमारे जीवन में साधु भी ऐसा होना चाहिए जिसका सूप जैसा, अच्छे अच्छे विचार उनके हमें ग्रहण करना है, लेकिन कचरा उनका बाहर निकल देना है। फिर लाइन में, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सूर धुने, लालच बुरी बलाए। बलाए यानी कि आपत्ति, और लालच यानी कि लोभ। लोभ कैसा होता है? बुरा। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, गुड़ जो खाने का होता है वह उस पर फंस जाती है, और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती है, हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता है। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है। कवि कहते हैं जिस तरह मक्खी होती है गुड़ की लालच में गुड़ खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उस पर क्या होता है, वो बैठने जाती है, कभी ऐसा गुड़ भी होता है बहुत चिकना भी होता है, उस पर वह क्या करती है, चिपक जाती है। वो कहते हैं ना, कभी हम भी कुछ रुपए देखते हैं तो हम उनको लेने के लिए तुरंत दौड़ते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि लालच कैसी बला है, बुरी बला है, तो हमें उस पर हाथ ही नहीं देना है। तो हमें मक्खी का उदाहरण से कबीर जी समझाते हैं। आइए अब हम दूसरा समझे, तुलसीदास जी का। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तुलसी गाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लहू भस्म हो जाए। कवि कहते हैं इस संसार में भांति भांति यानी कि भिन्न भिन्न तरह तरह के लोग रहते हैं।
है। सबसे हमें कैसे रहना है? हिल मिलकर, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, संजोग यानी कि संयोग, नाव यानी नदी में जो नाव होती है उन दोनों का जो संयोग होता है, जो मेल होता है, उसी तरह हमें भी इनकी तरह हिल मिलकर रहना है। तुलसी हाय गरीब की यानी कि हाय यानी कि बद्दुआ, जो हम कहते हैं बद्दुआ। जब हमारी हाय निकलती है, मरे हुए जानवर चमड़े से ढांकने की लोहा राख हो जाता है। हमारी बद्दुआ भी ऐसी होती है, जब लोहा होता है ना, इसी तरह वो कैसे राख यानी जल जाता है पूरा, तब उनकी क्या बन जाती है? भस्म यानी कि राख। चाम यानी कि चमड़े, मरे हुए चमड़े की तरह वो भस्म यानी कि राख हो जाए, ऐसी जब हाय निकल सकती है। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय भी ऐसी निकलती है, जब लोहा सारा जल जाता है तब राख बन जाता है। ये दोहे में कवि तुलसीदास यही कहते हैं। तो आइए अब दूसरा सुने। स्टूडेंट, जो मैंने पेंसिल से लिखे हैं आप अवश्य लिखें और उनके अर्थ को पहचानिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी ये रहीम जी का दोहा बहुत मस्त है, दोहे का अर्थ समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, चटका यानी कि तुरंत झटके से तोड़ना, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। बहुत अच्छा कह रहे हैं रहीम जी। कहते हैं अगर टूटा हुआ धागा होता है ना, अगर आपने झटके से तोड़ दिया ना स्टूडेंट, तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर टूटने से फिर वो जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसके बीच में क्या पड़ जाती है? गांठ। इसीलिए कहते हैं रहीम जी के टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाह। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पहन पानी, कहीं रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजाना। सुजानी यानी कि संग्रह करना, सरवर यानी कि सरोवर, संचय ही यानी कि चतुर, पैर यानी कि वृक्ष। कवि रहीम जी कहते हैं कि पैर फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। बहुत अच्छा रहीम कहते हैं कि कभी फल है ना वो वृक्ष नहीं खाते, दूसरों के लिए पैदा करते हैं, दूसरों को देते हैं, संपत्ति भी रहीम जी कहते हैं संग्रह करते हैं और दूसरे की भलाई करते हैं। रहीमन देखिन बड़ेन को लगुना दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़े लोग को प्रभावित होकर, बड़े लोग को जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई यानी कि इतनी छोटी सुई होती है ना, वो भी बहुत बड़ा काम कर जाती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है। रहीम जी कहते हैं बड़े लोग को देखकर प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत कीजिए। सही बात कह रहे हैं रहीम जी। कहते हैं कभी हम बड़े लोग को देखते हैं तो हम छोटे लोग को भी भूल जाते हैं। जहाँ छोटी सुई होती है ना वो बहुत बड़ा काम कर जाती है, लेकिन तलवार भी काम नहीं करती, ऐसा काम कर जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। बहुत मस्त दोहे हैं स्टूडेंट, आपके जीवन में उतारने जैसे हैं। अगर आपने इनको उतारा ना तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। स्टूडेंट, ये सारे दोहे को आपको पक्के करने हैं, क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपको, तो अच्छी तरह आई होप कि मैंने आपको जो समझा है वो आप समझ रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।